सिंगरौली जिले की समस्त प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास अनिश्चित काल के लिए बंद है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मांग की है कि कोरोना काल में स्कूल लगातार बंद रहे, ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मान्यता नवीनीकरण हेतु निरीक्षण करवाया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि 2020-21 की मान्यता का नवीनीकरण किया गया था, उसी प्रकार इस बार भी कक्षा पहली से 12वीं तक मान्यता का नवीनीकरण किया जाए, साथ ही संपूर्ण प्रकार के टैक्स, बिजली बिल, बैंकों के किस्त माफ किए जाएं। प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि 13 जुलाई को मध्य प्रदेश के समस्त प्राइवेट स्कूल संचालक अपने संकुल स्तर पर बने व्हाट्सएप ग्रुप से लिफ्ट होंगे और विद्यालयों की चाबी जिला शिक्षा अधिकारी तथा भोपाल लोक शिक्षक संचालन को सौंपेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान तमाम प्राइवेट स्कूल के संचालक उपस्थित रहे। मैं जिला सिंगरौली का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ और पूरे मध्य प्रदेश में आज समस्त स्कूलें बंद थी और ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद थी, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ हैं। जैसे स्कूल खोलने का परमिशन नहीं मिल रहा है, RTE में जो है फीस नहीं मिल रही है, RTE में सीट घटा दिए और इस तरह से बीच बीच में आदेश जारी कर गार्जियन और बच्चों के बीच में, गार्जियन और विद्यालयों के बीच में एक सरकार सस्पेंस पैदा करती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।